नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं फोर पिलर लाइव। मैं आपको बताऊं कि सदन में 12 विधायकों पर कार्रवाई की गई है, वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने इस पे बयान किया है। पहले ये सुनिए कि कांग्रेस विधायक शकील अहमद क्या कहते हैं। समर्थन के साथ मैं सरकार और क्या चाहेगी, सरकार न तो सच सुनना चाहती है न देखना चाहती है। आप सब लोगों के सामने विधायकों के ऊपर जिस तरह से डंडे बरसाकर उनकी बेइज्जती की गई और उसी बेइज्जती का परिणाम है कि प्रशासनिक तंत्र इतना मजबूत हो गया कि स्पीकर तक की बात नहीं सुनी जा रही है। तो यह जब तक विधायिका को मजबूत नहीं किया जाएगा, उसकी इज्जत और सम्मान को बहाल नहीं कीजिएगा, तब तक यही स्थिति नहीं रहेगी बिहार में। नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि विपक्ष, और सिर्फ विपक्ष का मामला है, सदन के अंदर और विधायिका मजबूत हो, उसका इज्जत और सम्मान हो, उसकी बात माने, ये चाहती नहीं है सरकार। ये इस तरह से राज कराना चाहती है। हिटलर शाही है ना राज में, तो हिटलर शाही राज में प्रतिपक्ष, और प्रतिपक्ष भी समझिए एक तरह से रूप होता है सरकार का, तो एक रूप को आप मार देना चाहते हैं तो इससे हासिल क्या होगा। नेचुरली प्रतिदिन विरोध कर रहे हैं इस बात का, कई बार सदन के अंदर ये सवाल इसी सदन में उठ चुका है। कश्मीरियों पे जो अत्याचार हुआ था, सरकार किसकी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी गवर्नर भेजा था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय वीपी सिंह की सरकार चल रही थी। एक तो यह याद रखना चाहिए लोगों को, कांग्रेस का उसमें कोई ये नहीं, और कश्मीरी पंडितों का पलायन और उनके दर्द के साथ हैं हम, उनके तकलीफों के साथ हैं, हमको उनके फिर से बसावट होनी चाहिए और ये मांग हमेशा हम उठाते रहे हैं। बिल्कुल टैक्स फ्री कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसी फिल्में जिस सच्चाई के आधारित हो उसको टैक्स फ्री करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस सत्य को कौन इनकार करेगा कि जगमोहन जी जब गवर्नर थे और भाजपा के सहमति से सरकार थी, उसी सरकार के जमाने में 1990 में ये हुआ था। तो सुना आपने कि कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा कि ये हिटलर शाही की सरकार है, इसमें ना तो सच सुना जाता है और ना ही सच देखा जाता है। वहीं कांग्रेस विधायक कश्मीरी पंडित पर बने आधारित बने मूवी को कश्मीरी फाइल पे कहा कि इसे टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि उस समय बीजेपी की सरकार थी जिस समय यह घटना घटी थी, लेकिन अगर इसे टैक्स फ्री किया जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे फोर पिलर लाइव से। मैं अनुज कुमार।